हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को ले चलते हैं जगदम्बा स्थान, जो कि करौटा में मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम फाइनली जो है भूतनाथ रोड से चल चुके हैं, यहाँ पर बाईपास पे आ गए हैं और आप लोग सामने देख रहे होंगे सूर्य उदय। अभी जो है हो रहा है, सुबह का टाइम है और लेफ्ट साइड में आप लोग देख पाएंगे जो यहाँ पर मेट्रो का भी कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। इधर जो है पुल और पिलर रेडी हो चुका है और कुछ दिनों बाद जो है, अभी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद जो है मेट्रो नज़र आएगा, तो आप लोग को वो भी जो है दृश्य हम दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है देखिए जब तक बन रहा है तब तक ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनली हम लोग जो है बाईपास से चल दिए हैं। यहाँ पर बगल में NRL पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गाड़ी जो है टर्न लेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्न ले रहा है गाड़ी, यहाँ पर NRL पेट्रोल पंप है। तो हम लोग जो है NRL पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग जो है आगे जाएंगे। तो आगे सीधे चलते हैं तो देख लीजिए, आप सभी को एक रास्ता भी बताएंगे जो कहाँ जाता है, तो वो भी हम बता देंगे। आगे रास्ता आने दीजिए। तो सामने आगे देख पा रहे होंगे आप लोग जो है पुल है और एक नीचे से रास्ता गया है। नीचे से अगर आप लोग रास्ता से जाते हैं तो आप लोग 0 माइल होते हुए गांधी सेतु पुल पर जा सकते हैं। ये रहा आपका रास्ता, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है चलेंगे सीधे ऊपर, यानी कि पुल के ऊपर से चलेंगे। यहाँ पर लेफ्ट से जाएंगे तो 0 माइल आराम से जा सकते हैं। वहाँ से बस स्टैंड जो है थोड़ी दूर पर है और हम लोग ऊपर से भी ले चलेंगे आपको बस स्टैंड गोलंबर के पास। तो चलिए देखिए, ये जो पुल एंड होगा वहाँ पर जो है गोलंबर है, वहाँ पर जो है बस स्टैंड यानी कि बस बैरिया बस स्टैंड से आता है और वहाँ पर गोलंबर होते हुए नीचे ये पुल के नीचे से जो है 0 माइल में टर्न लेता है। कोई भी बस होगा यहाँ पर आता ही आता है 0 माइल में इस पुल के नीचे, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे लंबा लंबा जो है पिलर है, ये किसका है? तो मेट्रो का जो है अभी तैयार हो रहा है। मेट्रो जब चलेगा तो और भी शानदार लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी पुल के नीचे जो है 0 माइल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग बस से कहीं जाते हैं तो आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं सीधे और सीधे देख लीजिए पुल, इधर जो है अभी निर्माण हो रहा है, जो कि डायरेक्ट स्टेशन जो बनाया जाएगा यहाँ पर मेट्रो का, तो बस स्टैंड तक जो है बन रहा है, तेज़ी से कार्य चल रहा है। तो ये जो गोलंबर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है नीचे, और इधर राइट साइड में आदित्य विचन जो देख रहे हैं यहीं पर जो है बस स्टैंड, बैरिया बस स्टैंड इधर ही है। तो हम लोग जो है चलेंगे सीधे, ठीक है। हम लोग को जाना कहाँ है? तो टोल टैक्स होते हुए चलेंगे और बख्तियारपुर साइड जो है हमें जाना है। तो आप लोग भी बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जो इस तरह का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो हम भी कोशिश करेंगे आप लोग को प्रोवाइड कराने का इस तरह का वीडियो, जिससे कि हमें भी पता चले जो आप लोग को किस तरह के वीडियो पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले चलते हैं सीधा, जो है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है गोलंबर है, ठीक है। तो गांधी सेतु से जो भी बस आता है आगे आकर के जो है लेफ्ट टर्न लेकर के इधर से ही टर्न हो जाता है, कभी कभी 0 माइल नहीं भी आता है, ये भी देखने को मिलता है। अगर आप सभी गांधी सेतु हाजीरपुर तरफ से आते हैं, गांधी सेतु पुल पार करते हैं, तो ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको सीधे चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब, थोड़ा बगल हो जाइए भाई, और उसके बाद आप लोग सूर्य सामने अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो है सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत ट्रैफिक नहीं रहता है, ऐसे भी आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रैफिक अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जाम नहीं है। नहीं तो इस रोड पर जो है अगर शाम में या रात में आइएगा तो जाम ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो है नहीं है। सामने में देख सकते हैं टोल टैक्स, लेकिन चलिए हम लोग को लगता है टोल टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं, आप लोग भी देखिए। तो देखते हैं, टोल टैक्स देना भी पड़ेगा। तो चलो भाई पतली गली से निकल लेते हैं, टोल टैक्स बच जाएगा, यानी कि हम लोग को तो दो चक्का है इसलिए जो है टोल टैक्स तो लगेगा नहीं। और यहाँ जो है अगर 4 चक्का रहता तो टोल टैक्स कट जाता फटाक देवर 200 रुपया या जो भी चार्ज बना हुआ है अलग अलग गाड़ियों के लिए, तो देना पड़ता। लेकिन हमारे पास तो 2 चक्का है भाई, तो 2 चक्का से तो लगता नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं, यहाँ पर जो है कितना शानदार लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद अगर आप सभी जो है सिटी भी जाना चाहते हैं, तो गुरुद्वारा भी जाना चाहते हैं, तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए कुछ व्यू देखिए इंटीरियर इलाका का, आप लोग कुछ देख पाएंगे इस तरह से क्या शानदार लुक है। आप लोग देखिए और ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और इस पुल पर जो है देख सकते हैं इधर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहा है, शांति ही शांति नज़र आ रहा है, ठीक है। और कितना शानदार लुक आप लोग
देख पा रहे होंगे। और इधर एक जो है वाटर पार्क भी है, वाटर पार्क भी जो है आप लोग को इसी रास्ते में पड़ता है, तो वो भी दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है एक भी गाड़ियाँ जो है क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि सुबह का टाइमिंग में जो है इस पर गाड़ियाँ बहुत कम चलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटर पार्क जो है नज़र आ रहा होगा आप सभी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वाटर पार्क यही है, आप लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दिए, वाटर पार्क यहाँ पर देख सकते हैं छपाक वाटर पार्क के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वाटर पार्क में नहीं जाने वाले हैं छपाक में, ओके हम लोग चलने वाले हैं सीधे जगदम्बा स्थान, जो कि एक मंदिर है करौटा में। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो चलिए यहाँ चलते हैं। तो क्या शानदार लुक आप लोग नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं इस तरह से चारों तरफ हरा भरा खेत ही नज़र आ रहा होगा। अभी जो है गेहूँ लगा हुआ है खेतों में, और भी कई फसल लगे हुए हैं खेतों में, तो देख सकते हैं सूर्य जो है सामने में है, और बैक से कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे क्या शानदार लुक है। और यहाँ पर जो है गाड़ियाँ भी खड़ी है साइड करके। ठीक है, तो चलिए क्या शानदार लुक है आप लोग भी देखिए। तो इधर देख सकते हैं अभी जो है खाली खाली नज़र आ रहा है, शानदार नज़र आ रहा है। और इधर जो है लोटा लेकर के सभी लोग जो है लगे हुए हैं खेत में जा रहे हैं, ये भी ध्यान देंगे आप सभी। यहाँ पर जो है फ्री है लोटा ले के जाने वालों को। और यह इधर देख सकते हैं पूरा खाली ही खाली नज़र आ रहा है, चारों तरफ देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहा है। तो कितना शांति है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए आप सभी, देखिए क्या क्या है। तो कितना शानदार है रोड, एकदम शांति है इधर। अब जो है हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे करौटा मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ दर्शन करने आने चाहते होंगे तो आ जाइएगा कभी घूमते फिरते। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी जो है यहाँ पर दर्शन कर लेंगे आज। आप लोग वीडियो के माध्यम से भी दर्शन कर लीजिए, अगर घूमना चाहते होंगे आना चाहते होंगे तो यहाँ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं, ये जो है आप लोग यहाँ पर जो है गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद देख लीजिए ये जो है यहाँ पर गेट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जगदम्बा स्थान लिखा हुआ है। तो चलिए आप लोग को जो है ले चलते हैं इधर। ठीक है, तो कितना दूरी पर है, तो जस्ट बाईपास रोड के जो है नज़दीक ही है। और अभी सुबह का टाइम है तो दुकान सभी जो है ओपन नहीं हुआ है, थोड़ी देर में जो है हो सकता है 10-11 बजे खुलता होगा, इस वजह से जो है नहीं अभी खुला है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये जो है मंदिर है, और यहाँ पर होटल देख सकते हैं, प्रसादी और नारियल चढ़ाया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेन गेट हो गया, इधर ही जो है आपका राइट साइड में मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं पूजा का सामान, और पूजा का सामान लेकर के जो है चलिए हम लोग भी माता का दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं होटल वगैरह अभी जो है खुल ही रहा है, सुबह का टाइमिंग है, और यहाँ पर आ चुके हैं। और ये रहा मंदिर,
तो यही मंदिर में जो है सभी लोग दर्शन करने आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग भी जो है प्रसाद चढ़ाने के लिए खड़े हैं और दे चुके हैं, यहाँ पर जो है प्रसाद जो है चढ़ाया जा रहा है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये जो है माता का मंदिर है, यहीं पर नारियल जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं दर्शन करने के लिए अगर घूमना पसंद करते हैं आप सभी तो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।